काफी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। सागर सहित बुंदेलखंड के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आने वाले 2-3 दिनों में बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादलों का जमघट और हवाएं चलने से 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा, दोनों सामान्य से 2 डिग्री नीचे था। हवाओं में नमी सुबह 40 और शाम को 39% दर्ज की गई। आगामी 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 26 फरवरी को सागर में बूंदाबांदी होने की संभावना है, तो कुछ जगह पर ओले गिर सकते हैं, तो 27 फरवरी को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन, वैज्ञानिक टीम मौसम केंद्र भोपाल, प्रदेश के मौसम के बारे में चर्चा किया, तो अभी एक मेन जो फीचर्स है, एक एंटीसाइसर है बंगाल की खाड़ी में, और मराठवाड़ा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहाँ से एक विंड डिस्कंटिन्यूटी विदर्भा से नीचे जा रही है। ये कंडीशंस में ये एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा आगे आने की चांसेस है, और इसके साथ साथ नमी आने के भी चांसेस है। बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमने अभी ये जारी किया है, फोरकास्ट और वार्निंग जारी किया है। तो ये इधर देख सकते हैं, 26 से मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है, और ये रीजन में जैसे सदर मध्य प्रदेश की काफ़ी जगह पर बारिश का मतलब आइसोलेटेड जगह पर बारिश का भी संभावना है। और ओलावृष्टि देखा गया तो ज़्यादातर नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवनी, जबलपुर, ये रीजन में ओलावृष्टि का चांसेस है, और ये अगले दिन में भी कंटिन्यू हो रही है। थोड़ा ऊपर की जगहों में भी ये ओलावृष्टि का चांसेस और थंडरस्टॉर्म विद हेल गस्टी विंड्स का भी चांसेस है। उसके बाद बाद ये कंडीशंस कम हो जाएगा। थैंक यू। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटी कुंदन, पोलकी, इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर।